मैं तो रटूंगी राधा राधा ना, पागल कैसे रटते तुम्हें पता है। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना, राधा 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 राधा। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना, मैं सच की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा ना, सच की गलियन में, निज कुंदन में, निज कुंदन में, निज कुंदन में,
आए घनश्याम कि मेरे निकले तन से प्राण निकले तो एक काम करना जब भी ब्रज में आओ दोनों हाथ उठा के ब्रज रज में लौट लगाए लीजो क्योंकि रज रानी की कृपा बड़ी जरूरी है। आइए दीदी जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे अतिथि गण। Yeah.
तीनों गुड़ को छीला वृंदावन की जीता न जानो गुड़ को छीला। ऐसे ही थोड़ी ना छीला समझ के खा लिए, वृंदावन को समझने के लिए भैया बड़ा बड़ी कृपा चाहिए आचार्यों की। आजकल तो होड़ लग गई है वृंदावन मास की, लेकिन मास मिल नहीं रहा है, फ्लैट मिल रहा है, जमीन मिल रही है, लता पता को काटा जा रहा है, वृक्षों को काट कर अपनी फ्लैट खड़े किए जा रहे हैं वहां पर, और रहना नहीं है, जाना महीने दो महीने में एक बार है, एक घंटे के लिए। सुविधा चाहिए। जो पुराने रसिक जन आते थे जब आश्रमों में रुकते थे तो बैठकर जितना भोजन पाते थे उतना भजन भी करते थे साथ बैठकर। ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ को चीला, ये एक एक लता पता कोई साधारण नहीं है, ये विराजमान एक एक संत है, एक एक ऋषि मुनि है। एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक सज्जन ने कुछ जमीन खरीदी वृंदावन में, कब से पड़ी थी, बोला अभी से बनाते हैं। तो उसने मिस्त्री मजदूर से बात की और उसको बनाने के लिए बीच में एक घना वृक्ष वहां पर विराजमान था, बोले कि इसे लता को काट कर तुम इसको बनाना शुरू करो। बैठ जाओ भैया, सभी नीचे हो जाएं, सभी नीचे आ जाएं, सभी नीचे उतर जाएं मंच के, कोई मंच पे ना हो। अब सुबह बात करके सब निश्चित कर लिया, बोले कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगले दिन वो व्यक्ति आया ही नहीं, बड़े फोन की आया नहीं, फिर दूसरे को फोन किया, उसने भी तय कर लिया सब, लेकिन अगले दिन वो भी नहीं आया। कुछ दिन बाद तीसरा व्यक्ति को, लेकिन वो भी नहीं आया। एक दिन पूछा कि जब बात हो जाती है तुम सुबह मना क्यों कर देते हो, बोले क्या बताए, रात को जब हम तय करके सारी बात सोए, बोले सुबह उठ के जाएंगे, लेकिन स्वप्न आया, सरकार ने स्वप्न दिया, एक संत स्वप्न में आए, वो बोले कि इस लता को मत काटो, ये वृक्ष कोई और नहीं, मेरे जन्मों की साधना मैं खुद हूँ, बस इंतजार है, उनके इंतजार करते करते मैं वृक्ष योनि में आ गया, अब इंतजार ये है कि एक बार वो कन्हैया मेरी छाया में बैठकर बांसुरी बजा दे, उसके बाद जो मर्जी कर ले। हमारे गोपाली बाबा आज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि अगर हम खरीदेंगे नहीं तो कोई बनाएगा क्यों, वो लता पता को काट के जो आप, या तो आप वास करें। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, वो लता पता जो भजन कर रही है, जो वृंदावन की शोभा है, या तो आप उस जगह को बनाकर उसमें उनके बराबर का भजन करें कि उस लता को भी लगे अगर मेरा त्याग किया है तो इस घर में भजन हो रहा है। लेकिन होता क्या है, जबकि श्री धाम से बाहर जब हम भजन करते हैं और श्री धाम में बैठकर भजन करते हैं तो उसका फल कई गुना हो जाता है। लेकिन मुझे आज तक कोई ब्रज में इसलिए आता नहीं मिला कि आज हम ब्रज में आए हैं कि हमने सुबह सुबह श्री जी की मंगला कर ली, अब सारा दिन किसी लता पता का सहारा लेकर एक कोने में बैठकर माला घुमाएंगे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ये भी दर्शन कर ले वो भी दर्शन कर ले, सालों से करते आ रहे हो, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ो। भजन किसी के लिए नहीं करना है, आपको स्वयं अपने लिए करना है, कोई मेरे सिर पे एहसान नहीं, फिर भी अगर मानो तो आप मेरे पे ये एहसान कर दिया करो, जब ब्रज में आते हो तो कुछ माला किया करो, कुछ हरी चर्चा किया करो, और सबसे जरूरी कुछ देर एकांत बैठा करो किसी कोने में, रज रानी की गोद में इसी राधा कुंड के किनारे बैठ जाओ, साक्षात श्री जी विराजमान हैं, कभी कैवर वन की लताओं से कुछ बात तो करके देखो,
कभी अनुभव तो करो कि लाडली कैसे दौड़ी आती है महल से। कभी किसी कुंड लता के पास बैठकर कुछ देर आंखों से अश्रु बहाकर तो देखो, उस लता को अपने अश्रु से अपने हृदय के राधा नाम से सींच कर तो देखो। केवल आए, अब तो छुट्टी बिताने का दिन रह गया है। अब जिस दिन छुट्टी हो चलो वहां जाके भीड़ कर दे, दर्शन किए और उसके बाद जितनी हलवाइयों की रेस्टोरेंट की ये भी पाले, ये भी पाले, ये भी पाले। कभी कोई यमुना किनारे अश्रुपात करता मिला और जो संत सुख लिया करते थे उनकी वो स्थान भी चले गए, वो कुंज भी चले गए। वो तो अब छुप के बैठे हैं, वो अपने दरवाजे के कुंडी लगाकर छुप के बैठे हैं कि भैया अब वो समय नहीं रहा। आओ प्यारे, आपका स्वागत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने मत आओ कि कुछ समय के लिए जमीन डाल दें, अब वृंदावन के रेट बढ़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी भावना है लोगों की, ये भी भावना है। दीदी कोई जमीन सस्ती है क्या? अभी हमारे पास 4-5 लाख रुपया है, अभी डाल देते हैं, साल बाद बढ़ जाएगा। ये रह गया श्रीधाम ये। इसीलिए प्यारे सबसे निवेदन है, श्रीधाम को श्रीधाम रहने दो, वृंदावन को वृंदावन रहने दो, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए, वहां आकर तुम भी करो ना राधे राधे। वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को
कथ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की कथ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी। बस यह जाने ब्रज की नार जपे जा रहा रचायो श्री अली माधुरी राधा गायो।